मैं सरदार संदीप सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे 2 लाख रुपए देने की मदद की है और जो हमारे घर में सामान चल चुका है उससे मैं अपना सामान लूँगी और हमारे घर की सारी छत जल चुकी है और ये जो छत जली है ये बिजली की स्पार्किंग से आग लगी है। जब एक गरीब का आशियाना जल जाता है और फिर से आशियाना और घर का सामान एकत्रित करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता तो ऐसे मौके पर अगर कोई आर्थिक सहायता मुहैया करवा देता है तो उस व्यक्ति को गरीब व्यक्ति निश्चित ही एक फरिश्ते का रूप मान लेता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही पिहोवा के गांव ट्यूकर में देखने को मिला जब गरीब महिला नीलम देवी के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके घर का सामान जलकर राख हो गया और आशियाना नुकसान से पूरी तरह से प्रभावित हो गया। ऐसी स्थिति में सूचना मिलते ही हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। ये सूचना मिलते ही जहां नीलम देवी व उसके पति प्रेम सिंह की आंखों से आंसू झलक रहे थे, वहीं उस आर्थिक सहायता का संदेश मिलने पर नीलम और उनके परिजनों के सदस्यों पर खुशी भी नजर आई। इस आर्थिक सहायता करने पर नीलम देवी व प्रेम सिंह ने संदीप सिंह की टीम के माध्यम से थैंक यू संदीप सिंह का संदेश भी भेजा है। गांव ट्यूकर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से नीलम देवी पत्नी प्रेम सिंह के घर में आग लग गई। इस आगजनी में नीलम देवी के घर का लगभग सारा सामान जल गया और घर का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस आगजनी की सूचना हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह के पास पहुंची। खेल मंत्री ने तुरंत प्रभाव से अपनी टीम को ट्यूकर जाकर पीड़ितों से बातचीत कर और घटना का जायजा लेने के लिए भेजा। इतना ही नहीं, खेल मंत्री ने पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से 2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। संदीप सिंह की टीम के सदस्यों ने गांव ट्यूकर में जाकर हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह की तरफ से ट्यूकर निवासी नीलम देवी पत्नी प्रेम सिंह के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने पर आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की। गांव ट्यूकर के लोगों ने खेल मंत्री संदीप सिंह को बताया कि गांव के गरीब परिवार का घर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया है तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजकर उनके द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रभाव से मुहैया करवाई। खेल मंत्री संदीप सिंह हल्के के लोगों के साथ दिन रात खड़े हैं और समय समय पर हर जरूरतमंद की आर्थिक रूप से सहायता भी करते हैं। नीलम देवी ने कहा कि खेल मंत्री गरीबों के मसीहा हैं। हमारा आग लगने के कारण बहुत नुकसान हुआ है, मंत्री जी ने आर्थिक सहायता देकर हमारी जो मदद की है हम उसका आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमेशा गरीबों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं सरदार संदीप सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे 2 लाख रुपए देने की मदद की है और जो हमारे घर में सामान चल चुका है उससे मैं अपना सामान लूँगी और हमारे घर की सारी छत जल चुकी है और ये जो छत जली है ये बिजली की स्पार्किंग से आग लगी है और सरदार संदीप सिंह जी वो गरीबों के मसीहा है। जब भी महले गरीबों में कोई भी संकट आता है वो एकदम अपने हेल्परों को वर्करों को भेज देता है। जिस टाइम उन्होंने पता लगा कि ऐसे ऐसे टुकर में ऐसा कुछ हुआ है तो उसने अपने वर्कर उसी टाइम भेज दिए और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की। आज गाँव ट्यूकर में एक जरूरतमंद के घर में जैसे ही आग लगी तो तुरंत हमारे हरियाणा सरकार में जो हमारे माननीय मंत्री खेल मंत्री संदीप सिंह जी हैं उन्होंने तुरंत अपनी टीम को भेजते हुए उनके परिवार को 2 लाख रुपए अपने निजी कोष से देने की घोषणा की। मंत्री जी गरीबों के मसीहा हैं और सदैव ही अगर उन्हें पता चलता है कि कोई जरूरतमंद है या किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो वो सदैव समाज कल्याण का ध्यान रखते हुए उनके मदद करने का काम करते हैं। आज भी उनको जैसे ही गांव के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि ऐसे एक गांव में किसी जरूरतमंद के घर में आग लग गई है जिसे पता चला है कि शॉर्ट सर्किट के कारण उनके घर में आग लगी और मंत्री जी ने अपनी टीम को तुरंत वहां भेजा और अपने निजी कोच से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। खबर नवा हरियाणा के लिए पीओवासी अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।